Ayan ऐड हुए हो अभी तुम? यस सर। अच्छा ठीक है। So I'm PC है। क्या? I'm watching it from my laptop. हाँ it's good. दूसरा स्टूडेंट और हो जाए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सर ठीक। ठीक है आया ना लिंक? हेलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है इससे पहले? सर फर्स्ट ईयर में सी किया था बस। अच्छा मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो और प्रोग्रामिंग नहीं। तो फ्रंट एंड आता है थोड़ी नॉलेज है। हाँ सर प्रैक्टिकली किया है सी? नहीं बस कॉलेज में वही किया था। अच्छा ओके वरुण और कनेक्ट हो जाए। वरुण और आना स्टूडेंट। अच्छा वही वेट कर रहा है अभी। तब पाइथन इंस्टॉल ऐप इंस्टॉल कर लो पाइथन। हेलो अच्छा सर मैं यहाँ पे काली यूज कर रहा हूँ वो इंस्टॉल है उसमें इंस्टॉल्ड है। हाँ मैं काली में यूज कर रहा हूँ। काली में यूज कर रहे हो? हाँ तो किस पे मतलब वर्क कर रहे हो? इस तरीके का नहीं कोई ऐप नहीं लाया अलग से। मतलब कोड लिखने के लिए कोई जगह तो आती होगी ना? हाँ हाँ कैसा टर्मिनल आता है क्या? एक लाइन डाल दो फिर एग्जीक्यूट कर दो एंटर करके। हाँ सर वैसे ही कर दो कॉमन लाइन पे क्या है। हाँ सर ये स्क्रीन शो हो रही है? हाँ सर हो रहा है। इस तरीके का चलता है कि एक कमांड दे दिया फिर एंटर कर दो तो चल जाता है इस तरीके से? हाँ सर कमेंट लाइन में करता हूँ। कमेंट लाइन में करता हूँ तो मतलब ऐसा फाइल नहीं आती है इस तरीके की फाइल के फाइल में पूरा लिखते जाओ कोड फिर बाद में रन करा दो? नहीं ऐसा नहीं है करना पड़ेगा। अभी कर लूंगा। हाँ कर लो भाई। ठीक है टर्मिनल पे टाइप करते होगे ना पाइथन, तब वो रन करता होगा पाइथन। हाँ हाँ अच्छा इंस्टॉल कर लोगे पाइथन आइडल चाहिए हमें पाइथन जैसी जब पाइथन सर्च करोगे अच्छा सबसे पहला लिंक आएगा ये वेलकम टू python.org। चलो लिनक्स में अवेलेबल है हाँ आइडल अच्छा ठीक करो ठीक है। देखो स्क्रीन शो हो रही ना। हाँ सर हो रहा है। इस लिंक पे जाना है फिर उसके बाद इस पे डाउनलोड्स पे जाओगे तो ये आएगा पाइथन। पाइथन इधर लिनक्स लिख के आएगा ऑटोमेटिकली पाइथन फॉर लिनक्स। अच्छा नहीं आ रहा है तो इधर से चेक कर सकते हो। ये रहा विंडोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करोगे फिर अपने कंपैटिबल देख लेना जो भी सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो। ये रहा लास्ट में ये रहा लिनक्स। ओके ठीक है। वैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा पाइथन फॉर लिनक्स यूनिक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हो। ओके सर डाउनलोड करो फिर उसे इंस्टॉल करके बताना इंस्टॉल हो जाए तो। अच्छा सर सर हेलो हेलो दूसरा स्टूडेंट ऐड हो जाएगा वैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे तब तक लाइव रहना लेकिन। ठीक है सर आइडल इंस्टॉल कर लिया। हाँ ऐसा आ रहा टर्मिनल अब। हाँ आइडल लिखा आ रहा है पाइथन 3.7.6 शेल लिखा हुआ है 3.7.6। हाँ हमारे में 3.8.2 है तुम्हारा कम लेटेस्ट है। अपडेट कर लूंगा बात पूरा ऐसा ही सेम आ रहा है। चलो ठीक है हो गया ना इंस्टॉल। ठीक है 3. वर्जन जरूरी। अब इसकी लोकेशन पे जाओ, ये जैसे हम सर्च करते हैं ना, ये आइडल ये आ रहा, ये ऐप आया, ठीक है। इसकी लोकेशन पे जाओ, ओपन फाइल लोकेशन, जहाँ पे इंस्टॉल होगी उसकी फाइल्स पे जाना है हमें, ठीक है। ठीक है सर, जैसे हम प्रॉपर्टीज में गए, ओपन फाइल लोकेशन करी, इधर ये आ गई लोकेशन पूरी जहाँ पाइथन इंस्टॉल्ड है मेन। हाँ सर, आ गया ये, मिल गया। हाँ, इधर स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होगा, स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर 4 फोल्डर है। कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं जा रहा, अरे ये जो हमारा पाइथन जहाँ इंस्टॉल्ड है वहाँ देखो, एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होगा, स्क्रिप्ट्स। ओके, देखते हैं। मिला? हाँ सर, स्क्रिप्ट 3.8 लिखा है फोल्डर। हाँ, स्क्रिप्ट से उसे ओपन करोगे, उसके अंदर देखना इस तरीके की कुछ फाइल्स होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी इसमें तुम्हारे में। हाँ, 3 फाइल्स है। 3 फाइल्स हैं उसमें। हाँ, उसी फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब तुम अपना टर्मिनल ओपन कर लो। हाँ, कर दिया। उसके अंदर टाइप करो पिप इंस्टॉल इंस्टॉल, अच्छा, जुपिटर नोटबुक, JUPYTER, जुपिटर नोटबुक, एंटर कर दो। हाँ, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, होने दो। जब इंस्टॉल्ड हो जाए तो दूसरा कमांड ये रन करना, सिंपल, सिर्फ जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जैसे जुपिटर नोटबुक को एंटर करोगे तो, जैसे ही ओपन करोगे तो इस तरीके का इतना कोड रन होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर पे ओपन होके आ जाएगा हमारा ये मेन विंडो। अच्छा, ऐसा आ जाएगा, देखना। ओके सर, इतना करो और फिर अब वेट करो, कनेक्ट हो जाए वो दूसरा भी, दोनों ही क्लास है, कंबाइन आ ही नहीं पाया वो अभी, ठीक है। वो आएगा तभी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर जब तक वेट करते हैं, देखते हैं 10-15 मिनट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। हाँ सर, हो गया। हेलो। हेलो सर। हाँ, उसका इंटरनेट चल नहीं रहा है, तो देखो शायद कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, कह रहा है। अच्छा तब दोबारा रिपीट कर देंगे। जब तक डाउनलोड कर लिया ना, वैसा इंटरफेस ओपन होके आ गया वेब ब्राउजर पे। हाँ 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 ऐसा आ रहा है तो जुपिटर। इधर इधर राइट में न्यू लिखा होगा, ये न्यू, हाँ सर। उस पर टैप करो, Python 3 पे क्लिक करो। टू आ रहा है क्या? Python 2 आ रहा है। 2 आ रहा, हाँ। Python 3 नहीं आ रहा। अभी डाउनलोड तो करवाया तुमसे नया पाइथन, तो भी तो क्यों आ रहा 2? देखो Python 3 लिखा होगा, 2 नहीं लिखा होगा। नहीं सर 2 ही दिखा रहा है। 2 दिखा रहा है। हाँ सर। डाउनलोड किया था Python 3? हाँ सर। इंस्टॉल किया उसे? हाँ सर। जब स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में गए तो ये Python 3 का फोल्डर था ना, ऐसा लिखा हुआ Python 3 इस तरीके से 3.7 लिखा हुआ, 3.8 था। हाँ, मतलब यही ऐसे ही फोल्डर था ना। हाँ सर। उसी की स्क्रिप्ट में गए, उसी में बिल्ड था, बिल्ड के अंदर स्क्रिप्ट था। स्क्रिप्ट के अंदर 3 फोल्डर है, Python 3.8, Ideal 3.8 और एक फोल्डर है। अभी यहाँ पे न्यू किया तो Python 2 दिखा रहा है। यार 2 क्यों दिखा रहा तुम्हारे में, समझ नहीं आ रहा। ये Python 3 था, उसी के अंदर ही स्क्रिप्ट के अंदर इंस्टॉल किया ना जुपिटर नोटबुक। हाँ सर। इसी के अंदर CMD मतलब अपना टर्मिनल ओपन करके पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक करा होगा ना। हाँ, राइट क्लिक दबा के टर्मिनल ओपन किया और फिर उसके बाद इसी के अंदर ही वो कहते रन किया ना जुपिटर। हाँ हाँ सर। तो फिर ये ओपन आया तो उसके बाद न्यू के बाद तो आना चाहिए Python 3। Python 2 क्यों आ रहा फिर? अभी कमेंट लाइन में वही दिखा रहा है Python 3.8.1, उसके अंदर बिल्ड है, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स 3.8 और वो पे 2 दिखा रहा है। ऐसा करो, या तो अपने में से सिस्टम में से कंट्रोल पैनल खोलो, मतलब जहाँ भी, हाँ अरे मतलब जहाँ भी इंस्टॉल्ड वगैरह रहते हैं, जहाँ पे भी इंस्टॉल अच्छा होता है सब कुछ, तो उधर पे देखो Python लिखा हुआ कहीं ना कहीं, तो Python हो सकता है तुम्हारे में। जैसे देखो हमारे ये रहा, हमारे Python 3.8 है सिर्फ, तुम्हारे Python 2 भी होगा, तो उसे डिलीट करो, Python 3 को भी डिलीट करो और दोबारा से सिर्फ Python 3 अकेला इंस्टॉल करो। तो हमें 2 भी इंस्टॉल्ड है, इसलिए हो सकता है तुमने गलती से 2 वाले फोल्डर में क्रिएट कर दिया, इसलिए Python 2 की नोटबुक क्रिएट हो रही 3 की नहीं। तो अब ये अभी कर दूँ या क्लास के बाद को? अभी करो, ये ज़रूरी है। अच्छा सर। तभी नोटबुक खुल पाई। चलो, वरना जब तक समझ लो Python होता क्या है, बाद में कर लेना। लेकिन क्या करना है, पूरा डिलीट करके सिर्फ Python 3 अकेला इंस्टॉल करना। 2 तो मैंने इंस्टॉल, हाँ जो अभी तक किया वो फिर से कर। ठीक है, चलो फिर जब तक बेसिक समझ लेते हैं Python हम पढ़ते क्यों हैं। व्हाट इज़ Python? Python एक्चुअली है क्या? ठीक है, Python एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे हम जनरली अपने बेसिक यूज़ में भी ला सकते हैं, अपने रोज़ के कामों में। हम Python से क्या क्या कर सकते हैं पहले तो ये समझो। Python से हम जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो वो सब कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं Python के थ्रू। हम कोई भी वेबसाइट भी बना सकते हैं, कोई ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई गेम भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि रोबोट्स तक डिज़ाइन कर सकते हैं। रोबोट की वर्किंग कैसे चलेगी, रोबोट अपना हाथ कैसे लाएगा, ये सब चीज़ें, सब कुछ हो सकता है Python के थ्रू, ठीक है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब ये एक पहले एक ज़माने में सी थी, सी प्रोग्रामिंग तो सुनी है ना। सी से पहले एक सुनी है बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हुआ करती थी। अगर सी की हिस्ट्री अगर पढ़ी हो तो पहले बी आई थी, उसके बाद सी का क्रिएशन हुआ था। बी हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस थी, बी हमारी लो लेवल थी और ये सी हमारी जो थी हाई लेवल थी। तो वैसे ही ये Python भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट हुई। और Python में एक ये एडवांटेज है कि ये इंटरप्रेट लैंग्वेज है। इंटरप्रेट का मतलब ये कंपाइल टाइम की नहीं है, कि मतलब जैसे सी वगैरह रहता है ना कि पहले कंपाइल होता कोड फिर रन करता। हाँ सर। अगर थोड़ा बहुत कोड चलाया हो तो देखा होगा कंपाइल एंड रन करते हैं हम लोग। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग में ये है डायरेक्ट इंटरप्रेट है, मतलब डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो भी हम कोड लिखेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप कन्वर्ट कर देगा ये उसमें, क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर जैसे बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, 0 1 0 0, तो उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा और डायरेक्ट रन कर देगा। नहीं है कि उसे ये फ़ायदा है। फिर इसकी ईजी सिंटैक्स हैं इसके, बहुत सिंपल। जैसे कि हम एक देख लेते हैं अभी, आज सबसे पहला प्रोग्राम ज़्यादातर लिखते हैं ना ये हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखते हैं तो सी वगैरह में देखा होगा हैश इंक्लूड लिखना पड़ता है, ये सब सिर्फ एक प्रिंट प्रोग्राम लिखने के लिए ये सब करना पड़ता है। इतना करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट वगैरह बनाओ, फिर उसके अंदर वो क्या कहते हैं प्रिंट एफ करते हैं ना उसमें, हाँ सर, तो वो सब करते हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। पाइथन में एक सेकंड, शायद कॉल आ गया उसी का, कनेक्ट हो गया क्या? कनेक्ट हो गया, हाँ कनेक्ट हो गया वो। कुछ नहीं, मत उठाओ कॉल यार, रुको दो, रुकना लाइन पे रहना। हेलो आयान, यस सर, तुम्हारे में ये साउंड जो है माइक, ये ऑफ और ऑन कहाँ से कर रहे हो? मोबाइल पे एक बटन है, मोबाइल पे एक बटन है, हाँ। देखो वरुण, तुम्हारे में देखो माइक का बटन आ रहा है क्या मोबाइल पे? ये लैपटॉप से कनेक्टेड हो ना तुम भी? हेलो आयान, हाँ हाँ मैं दोनों से कनेक्टेड। हेलो मैं हाँ, दोनों से कनेक्टेड हूँ सर। मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कनेक्टेड हो? हाँ, लैपटॉप से देख रहा हूँ, मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, इसलिए ये तुम्हारे में इसका माइक ऑफ है और इसका माइक ऑन है, ठीक है हाँ। अच्छा, तो लैपटॉप पे नहीं आ रहा क्या ऑप्शन वरुण, तुम्हारे में नहीं आ रहा? ईयरफोन कनेक्ट करो ना उस पर, पहले ईयरफोन कनेक्ट करो कि माइक इनबिल्ट नहीं होता ना सिस्टम में, पीसी होगा ना। हुआ? हेलो, ये कर रहे हो? अच्छा आयान, तुम मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो तो मोबाइल में भी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो रहा है, बस छोटा है। अच्छा, तो वरुण तुम भी ट्राई कर लो, फिर मोबाइल में ही कनेक्ट कर लो, मोबाइल से देख के लैपटॉप पे करते आना। कहीं समझ में ना आए तो बोल देना, तो हम जूम कर देंगे उधर। नहीं मोबाइल पे तो आएगी, मोबाइल पे इसकी भी आ रही है, आयान की भी ऑन है, मोबाइल से ऑन है उसकी, और लैपटॉप से नहीं है उसकी भी। जब तक आयान ओके सर। अयान ये कह रहा है पाइथन 2.3 जब तक अनइंस्टॉल करके सिर्फ 3 इंस्टॉल करो के लिए, और वही जुपिटर करो। अच्छा हाँ, क्या कह रहा है? फिर भी नहीं आ रहा ये तो हमें नहीं पता कहाँ से होता है इसका, पता नहीं इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। वैसे वॉइस का आ तो रहा होगा इधर पे आइकन बन के, देखो राइट में जैसे हम स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे दिख रहा स्क्रीन पे जैसे, देखो स्क्रीन तो शो हो रही ना तुम्हें, स्क्रीन पे देखो ये राइट साइड हम ये सर्किल पे दिखा रहे हैं, ये रहा माइक, ऐसा आ रहा होगा ना आइकन। कि हमारे में तो इधर नीचे से म्यूट और अनम्यूट हो जाता है, तुम्हारे में नहीं हो रहा, तो एक बार डिस्कनेक्ट हो के कनेक्ट हो। अब हुआ क्या? अभी भी आ रहा है? अभी भी नहीं आया माइक का? जाना तुम्हारा ये रिमूव करें क्या इसमें से? फिर ट्राई करो, फिर कनेक्ट होने का ट्राई करो। हेलो, आप कनेक्ट होना दोबारा रिमूव कर रहे हैं। अब वो कनेक्ट अभी भी नहीं आया, नहीं आ रहा, माइक नहीं आ रहा तुम्हारा, है ना? पता नहीं, देख रहे हमारे में इधर से तो कहीं से नहीं है कोई ऑप्शन ऐसा। किधर? इसमें कहीं नहीं है, इधर से कहीं से बंद या ओपन नहीं होती, क्योंकि इधर तो देखो इसकी तो ऑन है, ये रही ऑन, तुम्हारी तो शो ही नहीं हो रहा। या ऐसा करो मोबाइल पे कनेक्ट कर लो, फिर उस लिंक को मोबाइल पे कनेक्ट कर लो, मोबाइल पे डिस्प्ले आ जाएगा, उसी पे बोलते भी रहना, उस पर माइक रहेगा, फिर कहीं प्रॉब्लम आए तो बोलना, तो हम जूम कर देंगे उधर, ठीक है? बाद में वो ठीक कर लेना, अभी मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ। अच्छा, हमारी ऑडियो तो आ रही है ना उस पर लैपटॉप पे कि नहीं आ रही? नहीं, हमारी ऑन है ना लैपटॉप पे भी, तो अयान को तो सुनाई दे रही है, तुम्हें दे रही है सुनाई? हम बोल रहे हैं कुछ तो। हेलो हेलो, हाँ वो उसका भी एक डिसेबल है, उसका लैपटॉप वाला डिसेबल है और मोबाइल वाला इनेबल है। क्या ये तो स्विच टू फोन है। अच्छा, जब तक इतना काम करो जो बता रहे हैं वो कॉल पे, तो वही सुनाई दे रहा है। जो पाइथन वेबसाइट पे जाओ, विंडोज खोले हो ना? हेलो, विंडोज ओपन करे हो? एनाकोंडा डाउनलोडेड है कि अच्छा एनाकोंडा पे करोगे? ठीक है, एनाकोंडा पे करोगे ना तुम उस, तो ठीक है। फिर उसके अंदर जुपिटर नोटबुक होगी ना, वो भी नहीं चल रही? वेब ब्राउजर पे होता है वो ओपन। एक बार ऐसा करो, पूरा एनाकोंडा क्लोज करो, दोबारा ओपन करो और फिर जुपिटर पे क्लिक करना, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा वेब ब्राउजर पे। एक बार रिस्टार्ट करो एनाकोंडा को, हो जाएगा वो देखना। जब एनाकोंडा का वो आएगा डिस्प्ले, तो इधर देखना ऊपर साइड यहाँ दिया रहता है, इस जगह पे ऐसे रूट दिया होगा इस पोजीशन पे जहाँ पे अभी हमारा माउस है, इस जगह। तो उस पर हाँ बेस रूट, उसे बेस रूट पे ही रहने दो, और उसके बाद इस जगह पे जुपिटर नोटबुक आ रहा होगा, इस जगह पे आ रहा जुपिटर नोटबुक, उसे बस लॉन्च कर दो क्लिक, और बस फिर वेट करो, अपने आप ही ओपन हो जाएगा वेब ब्राउजर में ऑटोमेटिकली। टाइम लगेगा थोड़ा। एक बार क्लोज करो, ये कहते रहे, एक बार क्लोज करके दोबारा ऑन करो और जुपिटर नोटबुक पे टैप करोगे, नीचे यहाँ प्रोसेसिंग बार ऑन हो जाएगी, इधर पे राइट साइड नीचे। क्या आगे नहीं हो रहा? अच्छा, या फिर सिंपल फिर ये करो, अकेला जुपिटर चाहिए हमें, तो एनाकोंडा चाहे हटा दो, पाइथन इंस्टॉल करो पहले, हम जुपिटर ही चलवाएंगे। तो मैं पाइथन करो इंस्टॉल, जब पाइथन पे जाओगे, ठीक है? हेलो, हाँ पाइथन पे जाओगे, वेलकम टू python.org ऑर्गेनाइजेशन होगी वेबसाइट, उस पर जाना, डाउनलोड्स पे जाओगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। विंडोज़ चला रहे हो ना? हाँ, तो उस पर जो भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके तुम्हें दे देगा कि ये डाउनलोड कर लो, इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ठीक है? उसके बाद आप पहले इतना करो, उसके बाद बताएंगे सर क्या करो। इतना कंप्लीट करो। डाउनलोडिंग पे लगा दिया? डाउनलोडिंग पे लगाओ, फिर बताओ, फिर आगे आगे जब तक इंट्रोडक्शन करें पाइथन का। क्या डाउनलोड्स में क्लिक वो कर्सर लेके जाओगे, ऑटोमेटिकली वो आएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन, होने लगा डाउनलोड, ठीक है? अब आगे सुनो जब तक ये। हेलो अयान। हेलो सर। हाँ, अब इधर ध्यान दो, देखो पाइथन है क्या, सबसे पहले ये समझो। पाइथन हमारी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम जनरली यूज़ में ला सकते हैं, अपने डेली यूज़ में कोई भी काम कर सकते हैं हम पाइथन का यूज़ करके, ठीक है? जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग करवा सकते हैं कि किसी मशीन को, समझ लो हमने 100 तरीके के फ्लावर्स दिखा दिए, ठीक है? और अगली बार उन 100 में से कोई भी एक फ्लावर उसे दिखाएंगे डिस्प्ले के सामने, तो वो अपने आप ही पहचान के हमें बता देगा कि ये लोटस है या रोज़ है या लिली है या कोई भी फ्लावर्स है, जो भी। जैसे ही कैट और डॉग, ये सब डिफाइन कर सकते हैं। इन सब की प्रोग्रामिंग आजकल पाइथन में ही होती है। तो पाइथन जब स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में, तो ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, पाइथन जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने क्रिएट करी, किसने? गुइडो वैन रोसम ने। याद रखना ये नाम, गुइडो वैन रोसम। स्क्रीन तो आ रही ना दोनों के में? यस सर। गुइडो वैन रोसम ने पाइथन प्रोग्रामिंग क्रिएट करी थी 1989 में, उनने क्रिएट करी थी, और ये पब्लिश मतलब रिलीज हुई थी 1991 में, ठीक है? ओके। जब इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, तब ये उतनी चली नहीं एट दैट टाइम, उतना इसको मतलब लोगों ने उतना यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इससे ज़्यादा फास्ट थी, ये थोड़ी स्लो थी एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, C++ या जावा, जो भी ले लें, उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ी स्लो थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तब ये इतनी चली नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जब के और इन्होंने जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी तो इन्होंने ध्यान रखा कि वो देखने में बहुत अच्छी लगे और बहुत आसान रहे उसे सीखना, इजी टू लर्न, ठीक है, इजी टू लर्न हो और देखने में बहुत अच्छी हो, इसलिए उन्होंने सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने जब ये क्रिएट करी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब उन्होंने पहले सोचा कि इसका नाम क्या रखें। तो गुइडो वैन रोसम का एक फेवरेट चैनल था सेंट्रल कॉमेडी, उस पर आता था एक मोंटी पाइथन नाम से एक सर्कस आता था। तो उन्होंने उस मोंटी पाइथन में से पाइथन नाम लेके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया, ठीक है। तो कोई पूछे कहाँ से आया ये नाम, तो ये पता होना चाहिए आपको, ओके ओके। और इन्होंने सो ही यूज्ड इंडेंटेशन, इसमें इंडेंटेशन यूज़ करी गई हैं इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स की जगह इन्होंने इंडेंटेशन यूज़ करी है किसी भी कोड को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे सी वगैरह पढ़ी है क्या आपने वरुण, सी जावा वगैरह पढ़ी है थोड़ी भी, देखी है, थोड़ा कोड देखा है उनका कभी? अच्छा, कभी इस तरीके का कोड तो ज़रूर देखा होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, अगर इस तरीके का देखा हो, फिर उसमें करली ब्रैकेट लगे रहते नीचे, फिर उसके अंदर प्रिंट एफ वगैरह दिया रहता है। तो ये जो कोड होता है ये हमारा होता है सी वगैरह की लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है, सी लैंग्वेजेस का। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, तो इन्होंने इसलिए करली ब्रैकेट्स का यूज़ ना करके इंडेंटेशन का यूज़ किया अपने कोड्स में। तो इससे बहुत आसानी हुई इन्हें कोड, मतलब जो बनाया था कोड उसे पढ़ने में बहुत आसानी होने लगी। उन्होंने बस यही सोच के बनाया था कि हर कोई सीख सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये देखो लिखा है इजी सिंटैक्स यूज़ करें, दिख रहा, ओके ओके। इजी सिंटैक्स यूज़ करें, जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे हमारा पहला कोड सबसे पहला होता प्रिंट करवाना होता हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सबसे पहला कोड यही करते हैं ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में। तो इसका पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रिंट इतना एडवांस्ड है कि डायरेक्ट बस हमें प्रिंट कमांड देनी है और बस ये प्रिंट करा देगा, और इसके ब्रैकेट्स या नहीं हो रही शो, अब अभी भी नहीं चल रही, वहीं अटकी है, अरे यार पता नहीं, हम तो इधर राइड कर रहे हैं, कॉल कट करें, शायद हो सकते चलने लगे, फिर कॉल कट कर रहे, शायद हो सकते चलने लगे फिर। अच्छा नहीं चल रहा, मोबाइल में उसी सिम से नेटवर्क है ना जिसपे अभी कॉल करा हमने, वाईफाई से भी नहीं चल रहा। अच्छा तो सुन लो, इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में बस सुन लो कि प्रिंट कमांड होता है सिंपल प्रिंट करवाने के लिए, हमें कुछ भी प्रिंट करवाना हो। तो जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड होते थे, तो इन्होंने बहुत सिंपल बनाया कि सिंपल प्रिंट टाइप करोगे आप तो आपके लिए कुछ भी प्रिंट कर देगा जो कुछ उसके अंदर लिखा हो। जैसे हम एक प्रोग्राम छोटा सा कर लेंगे, जैसे ये हेलो वर्ल्ड करा, प्रिंट के दो ब्रैकेट्स बनाए पैरेंथेसिस, और उनके अंदर हमने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हमेशा स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग होता है कुछ भी हमारे अल्फ़ाबेट्स, तो ये जो भी हम देंगे इसके अंदर वो हम अपना प्रिंट करा सकते हैं सिंपल प्रिंट कमांड से। जैसे हमने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, अब ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, स्टार बन के आ गया। अयान तुम्हारे में चल रहा? मैं तो इंस्टॉल कर रहा हूँ, पैकेजेस डिलीट हो रहा है, वो अनइंस्टॉल करके कर लिया ना पाइथन 3 इंस्टॉल, नहीं वो पैकेज रिमूव हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा ठीक है, हमारे लिए पता नहीं क्या हो रहा, चल नहीं रहा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा शायद। अभी शो हो रहा है वरुण तुम्हारे में? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं आ रहा लग रहा नेटवर्क तो। हम तो अपने घर चले गए। नहीं वो बाकी की भी तो करवा रहे थे रईस वगैरह की सबकी, लेकिन उनने मना कर दिया, कह रहे ऑफलाइन क्लासेस करनी है, ये ऑनलाइन नहीं करेंगे। हाँ वो कह रहे थे। अयान यस सर। हाँ ये शो हो रहा है ना स्क्रीन अब, जो जैसे हम बता रहे सिंपल प्रिंट कमांड होती है ये। सिंपल प्रिंट के अंदर हम देखा कितना इजी सिंटैक्स है कि सिंपल प्रिंट टाइप किया और हमें प्रिंट कर देगा। आप देखा ना रन करा ऐसे, देखो हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया प्रिंट होके। यस सर हो गया। ये सिंपलिसिटी पाइथन प्रोग्रामिंग की, ये सारे सिंटैक्स इसके बहुत सिंपल हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है ये समझ लो। तो ये हमारा पाइथन हुआ। अभी पहला प्रोग्राम बहुत छोटा सा था, ये तो हेलो वर्ल्ड। और हमेशा स्ट्रिंग याद रखना है, स्ट्रिंग हम ये देख रहे हो डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। हाँ सर, देख रहे हो डबल कोट्स बनाए हमने, ये स्टार्ट और एंड। ब्रैकेट के अंदर हमेशा डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स, दो ही यूज कर सकते हैं हम स्ट्रिंग लिखने के लिए। जो सिंगल कोट लिख दिया और इसके अंदर भी हम हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड और डबल कोट्स वाला हटा दें, बंद करें तो देखो ये भी हेलो वर्ल्ड कर लिया। ठीक है, हाँ सर आ गया। यस सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, ठीक ठीक है। और तो देखो अब जब पाइथन रिलीज हुआ तब स्टार्टिंग में इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, इतना ये नहीं चला, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इससे बहुत फास्टर थी। ठीक है, तो जब आगे हमारे पास जब मशीन लर्निंग आई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब ये सब चीज़ें आई आगे वाले फ्यूचर में, अभी 2000 शायद 17 या 16 ऐसी कुछ में फेमस हो गई ये चीज़ें ज़्यादा। तो जब ये चीज़ें आई रियल लाइफ में तब पाइथन का यूज़ इसलिए ज़्यादा होने लगा क्योंकि ये बहुत सिंपल थी। तो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स थी, मशीन लर्निंग की कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, तो वो राइट करने के लिए, वो लिखने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल मतलब यूज़ रहा है इसका। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने सारी एल्गोरिथम्स बना दी, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा डिफ़िकल्ट था इन चीज़ों का लिख पाना, इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब नई नई कंपनी भी आएंगी, वो सब पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करने लगी। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स कभी यूज़ किया? अच्छा, यूट्यूब यूज़ करते हो ना, यूट्यूब तो यूज़ करते हो? हाँ सर। यूट्यूब में देखो तुम 10 बार कोई एक वीडियो को चलाओ, 10 बार तुम कॉमेडी वीडियोस को चलाओ, तो अगली बार तुम जब यूट्यूब ओपन करोगे तो तुम्हें देखना कॉमेडी की वीडियोस दिखाने लगेगा वो। हाँ सर, ये वाली देखो। तो यहाँ पे हमारा मशीन लर्निंग यूज़ होता है। मशीन लर्निंग भी एक, इसके अंदर एक एल्गोरिथम होती है, वो हमारी होती है रिकमेंडेशन सिस्टम क्रिएट करने की। रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब तो जैसा यूज़र यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे और चीज़ें वही दिखाना। जैसे साइंस फिक्शन वीडियोस और या मूवी के ट्रेलर्स, तो ये सब जो वीडियोस होती हैं तो इनके एक जॉनरे होता है। जॉनरे मतलब उनकी डिटेल होती है। ये जैसे हम वीडियो कोई अपलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है लिखने का कि आप कैसी वीडियो डाल रहे हैं, ये कि कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है या नॉलेज वाली है या क्या है। तो उस बेसिस पे ये सारी, पहले एक एल्गोरिथम और होती है मशीन लर्निंग के अंदर, क्लस्टरिंग। क्लस्टर क्या करता है कि सारी की सारी वीडियोस को अलग अलग स्टोरेज में कर लेता है, अलग अलग क्लस्टर बना लेता है कि एक कॉमेडी का क्लस्टर हो गया। क्लस्टर मतलब एक, समझ लो एक डिब्बा हो गया, उसके अंदर सारी की सारी कॉमेडी वीडियोस हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा अच्छा। समझ लीजिए, इस तरीके से मशीन लर्निंग सारी वीडियोस को अलग अलग डिब्बों में स्टोर कर लेता है, ऐसा मान लो। फिर कोई यूज़र अगर, जैसे हम यूज़ करते हैं यूट्यूब और मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम बैकग्राउंड में चल रही होती है, वो देखती, मतलब वो प्रोसेस ये करती है कि इस जीमेल आईडी से ये यूट्यूब अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, तो इस YouTube अकाउंट पे कौन सी वीडियोस ज़्यादा देखी जा रही हैं वो देखता है। कि जैसे समझ लो 10 कॉमेडी की देखी, 2 एजुकेशनल देखी और फिर 3 गेम्स की देखी। ठीक है, तो देखता है कि कॉमेडी 10 बार देखी। ठीक है, तो कॉमेडी में से वो कुछ वीडियोस फिर उसे शो करने लगेगा यूज़र को, और कि आपको ये अच्छी लगी, अच्छा तो कॉमेडी की ये वाली वीडियोज़ भी देखो। एजुकेशनल की जैसे आपने 3 देखी समझ लो, या गेम्स की 3 देखी, तो उसकी भी 1-2 दिखा देगा। इस तरीके से हमारा मशीन लर्निंग वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं पाइथन के यूज़ से। मतलब हम मशीन लर्निंग का कोड लिख सकते हैं सिंपल, 50 लाइन में लगभग लिख सकते हैं मशीन लर्निंग का कोड, इतना सिंपल है पाइथन के यूज़ से। ठीक है, यस सर। देखो पाइथन तो समझ गए ना, ये पाइथन है क्या, पाइथन का यूज़ कहाँ है, किस तरीके से यूज़ है, और सिंपल है। ठीक है, और पहले यूज़ में नहीं थी क्योंकि ये स्लो थी। ठीक है, और फिर बाद में यूज़ में क्यों आई, क्योंकि ये सब चीज़ें सिंपल हो गई इसके यूज़ से, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई। समझ गए पाइथन क्या है अब? ओके हेलो हाँ सर ठीक है समझ में आ गया व्हाट इज पाइथन? यस सर अब ये पहला कोड हो गया हमारा ये प्रिंट वाला। उसके बाद अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 और पाइथन 3। अभी तुमने पाइथन 2 इंस्टॉल किया था? हाँ पाइथन 2 था पहले, अभी अनइंस्टॉल कर दिया। हाँ पाइथन 2 और पाइथन 3 में देखो डिफरेंस क्या है, क्यों हमने पाइथन 3 करवाया तुमसे। देखो ये लिखा है जैसे कि डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। देखो पाइथन 3 में अभी हम प्रिंट करा रहे थे, देखा प्रिंट कैसे दे रहे थे हम? ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी स्ट्रिंग दे रहे थे, ऐसे ही हो रहा था। तो हाँ। पाइथन 2 में क्या था? पाइथन 2 में ब्रैकेट का यूज नहीं था प्रिंट स्टेटमेंट में, ये था पाइथन 2 में ब्रैकेट का यूज नहीं था। पाइथन 3 में फिर ब्रैकेट का यूज आ गया। फिर पाइथन 2 में लाइब्रेरीज हमारी कम थी, पाइथन 3 में हमारी लाइब्रेरीज और बढ़ गई। लाइब्रेरीज होती हैं ये जैसे कि मैथ नाम की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं, लाइब्रेरीज इसमें होती हैं बहुत सारी। मैथ है, रैंडम है, नम्पाय है, पेंडास है और एसकेलर्न है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो ये लाइब्रेरीज बहुत इंक्रीज हो गई हैं पाइथन 3 में आके। फिर आते हैं हम और एक डिफरेंस पे कि पाइथन 2 में देखो अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं पाइथन 2 में तो हमें टाइप करना पड़ता है raw_input। लेकिन जब पाइथन 3 आया तो पाइथन 3 में उन लोगों ने raw हटा दिया, डायरेक्ट इनपुट कर दिया कि raw की क्या ज़रूरत है, raw क्यों लिखना, सिंपल इनपुट लिखो और इनपुट ले लो। तो इन्होंने raw का सिस्टम हटा दिया था पाइथन 3 में, सिर्फ इनपुट यूज़ होता है। एक ये डिफरेंस है, ठीक है ओके सर। और तीसरा डिफरेंस ये है पाइथन 2 और पाइथन 3 में कि पाइथन 2 में अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है, तो हमारा आउटपुट आता है सिंपल 2। और जब पाइथन 3 का इवॉल्व हुआ तब पाइथन 3 ने ये किया कि पाइथन 3 में कि डिवाइड बाई 2 अगर करोगे तो सिर्फ 2 नहीं देंगे, 2.5 पूरा आंसर देंगे हम आपको। अच्छा तो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नोट कर लो कि ये सारे डिफरेंसेस। ओके नोट कर लिए सर? रिकॉर्डिंग मिलेगा वो आपकी आज जो होगा? ये पता नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्ड कर तो रहे हैं। हाँ, उसके बाद एक लिंक देगा, लिंक मैं डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड कर मैं सेव कर लूंगा मेरे को। तो सेव हो जाएगी तो मैं आ जाती है। हाँ पहले जो CH का कढ़ाए थे वो ऐसे देते थे, ठीक है। तो कर लेना अब जैसे भी आता हो, हमें पता नहीं है, ठीक है। आपके पास एक लिंक मिलेगा डाउनलोड करने का, वो मुझे दे देना। एक क्लास में रिकॉर्डिंग का नहीं, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना उसके बाद एक लिंक मिलेगा आपको, वो मुझे दे देना। हमें नहीं मिलता कोई लिंक, हम तो बस इधर स्टॉप कर देते और उसके बाद बस हम क्लोज कर देते पूरा। नहीं वो आपके अकाउंट में रहेगा मे बी, जो पहले जो थे वो ऐसे देते थे, रिकॉर्ड करते थे उसके बाद एक लिंक मिलता था उनको, और लिंक शेयर कर देते थे। तो वो सर से मांग लेना तुम, ठीक है? कौन सर? पंकज सर को जान। अच्छा पंकज सर ओके हाँ, तो उनसे ले लेना, वो दे देंगे, उन्हें पता होगा कहाँ से देना है, ठीक है ठीक। उनसे कह देना आज की रिकॉर्डिंग दे देंगे तुम्हें, ओके ठीक है। तो ये हो गया पाइथन 2 और पाइथन 3 का डिफरेंस। फिर वाई पाइथन इज़ पॉपुलर, सबसे मेन चीज़ ये और है एक तो ये बहुत इजी है, ये तो देख लिया हमने कि प्रिंट, देखा प्रिंट कमांड कितना सिंपल था, प्रिंट टाइप किया प्रिंट हो गया, ठीक है। हाँ दूसरा पॉइंट है हमारा फ्री और ओपन सोर्स। ओपन सोर्स है पर ओपन सोर्स जैसे लिनक्स यूज कर रहे हैं। हाँ सर हेलो, लिनक्स ये ओपन सोर्स है कि नहीं है? हाँ लगता है। हाँ ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हाँ मतलब सोर्स कोड देख सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में हम अपने खुद के फंक्शंस बना सकते हैं, जैसे हमने बताया इंपोर्ट करके मैथ कर रहे, इंपोर्ट करके बोल रहे थे अभी हम, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट मैथ, नम्पाय, पेंडास बोल रहे थे अभी यार। यस सर। तो ये चीज़ें लाइब्रेरीज हम खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये ओपन सोर्स है कि हम अपना खुद का कोड भी एक क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम दूसरे का कोड लें, हम खुद के कोड भी लिख सकते हैं। और क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। मतलब इससे हम बताया ना अभी कितनी सारी जगह यूसेज है इसका। देखो मशीन लर्निंग है, ठीक है, काउंट करना, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वेब पेज बना सकते हैं हम, और वेब एप्लीकेशन बना सकते, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते, मोबाइल गेम बना सकते, इससे टास्क ऑटोमेशन कर सकते कि मतलब कोई भी टास्क हम कहते हैं अपने आप हो जाए। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, हमें तो याद भी नहीं आ रही, इतना सब कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ओके सर। और लाइब्रेरीज हमने बता ही दी आपको, लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं, वही पाइथन, नम्पाई, पैंडास, ये सब लाइब्रेरीज हैं। मैथ रैंडम लाइब्रेरीज होती हैं। फीचर्स पे आ जाएं, फीचर्स में सिंपलिसिटी, वो तो सिंपल है, वो तो देख लिया। ओपन सोर्स, ठीक है। पोर्टेबिलिटी मेन चीज़, देखो पोर्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि हम अगर आप कोई कोड अभी लिखोगे, जैसे हम अपनी विंडोज़ में चला रहे हैं अभी ये, ठीक है, विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं हम पाइथन को, यस सर। तो हम कोई कोड अगर लिखेंगे, वही सेम कोड आप कहते लिनक्स में भी चला लोगे, उसी सेम कोड को कहते अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है पाइथन में कि पोर्टेबिलिटी है इसमें, कि सेम कोड को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हो, कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा। कि समझो कि सी में मतलब वो लिनक्स में लिखना है तो कुछ कोड में चेंज होगा नहीं, सब सेम रहेगा, जो कोड इधर चलेगा वही सेम कोड उधर चलेगा, ठीक है। पोर्टेबिलिटी समझ। फिर एम्बेडेड पे आते हैं। एम्बेडेड हार्डवेयर सुने हैं? एम्बेडेड हार्डवेयर जैसे रेसबेरी पाई सुना है? हाँ सर, हाँ सर सुन लिया। देखते हैं रेसबेरी पाई 4। ये रेसबेरी पाई ये क्या है? ये हमारे छोटे छोटे हार्डवेयर्स होते हैं, एक तरीके से छोटा कंप्यूटर है, इसके अंदर हम अपना कोड भी चला सकते हैं। तो ये एडवांटेज भी है, ये है एक रेसबेरी पाई, और दूसरा हमारा होता है एक आर्डुइनो। यस सर, ठीक है। आर्डुइनो भी आएंगे, आर्डुइनो के भी ये आते हैं ये रहे चिप्स, तो इनमें भी हम अपना कोड रन कर सकते हैं कि कोई हम अपने समझ लो एक रेसिंग कार बनाना चाहते हैं खुद की, तो हम उसमें अपना कोड क्रिएट कर सकते हैं कि राइट बटन टैप हो, जैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहे तो राइट बटन टैप हो तो अपने आप वो राइट टर्न का कमांड जैसी आए तो अपने आप ही व्हील्स टर्न हो जाए राइट की तरफ, या आगे की तरफ रहे तो एक्सेलरेटर बढ़ जाए, ठीक है। हाँ, तो इन चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, एम्बेडेड में भी यूज़ कर सकते हैं पाइथन को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब तो बता ही दिया कि कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इंटरप्रेटर पे रन कर सकते हैं कोड को, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले कंपाइल करो फिर रन करो, ऐसा होता है, वैसा नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। और लास्ट पॉइंट भी देख लिया है कि ह्यूज लाइब्रेरीज बहुत हैं इसमें, इसलिए बहुत काम आसान हो जाएगा, कोई भी काम करना हो। जैसे कि एक छोटा सा काम ये देख लेते हैं, देखो हम एक इंपोर्ट करा लेते हैं टाइम, एक टाइम नाम का भी होता है एक लाइब्रेरी, ठीक है। अब इस टाइम में होता क्या है, देखो टाइम डॉट अगर हम स्लीप कर दें और कर दें 1, तो मतलब 1 सेकंड के लिए स्लीप रहेगा, उसके बाद हमारा प्रिंट आएगा हेलो वर्ल्ड। देख रहे हैं आप, ये रन हुआ, अब हमारा हेलो वर्ल्ड आया, 1 सेकंड बाद आया। अब इसको अगर हम कर दें 5 सेकंड, देखो अब देखना टाइम कितना लगेगा, देख रहे हो ना? हाँ सर, तो रन किया, अब देखो, और ये अच्छा, हाँ अब आएगा, अभी हो गया 5 सेकंड हो गया, अब ये रन कर गया आगे, ठीक है। तो कोड देख रहे हैं लाइन बाय लाइन चलता है, पहले उसने इंपोर्ट किया टाइम को, उसके बाद उसने कहते टाइम स्लीप किया, मतलब इतनी देर के लिए 5 सेकंड के लिए वो रुका रहा, जब ये कंप्लीट हो गया तब वो नेक्स्ट लाइन पे गया, देखा क्या है, उसने देखा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो उसने वो करवा दिया। तो देख रहा है इंटरप्रेटर का मतलब ये लाइन बाय लाइन पूरा कोड चल रहा है। हाँ सर, ठीक है। तो ये चीज़ है एक, तो ये लाइब्रेरी हमने ये यूज करके बता दिया आपको टाइम वाली। अच्छा, ठीक है। तो अलग से यहाँ पे कंपाइल नहीं होता है क्या? हाँ, अलग से यहाँ कंपाइल का हाँ कोई वो नहीं है, डायरेक्ट रन कर सकते हैं। डायरेक्ट कोड सिलेक्ट करा, हाँ सिंपल रन, बस कोई कंपाइल का मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि कंपाइल करो फिर रन करो, ऐसा रहता है बाकी लैंग्वेजेस में। और कंपनीज कौन सी यूज़ करती हैं ये देख ही लो। ये तो नेटफ्लिक्स बता दिया हमने एग्जांपल आपको कि वो है रिकमेंडेशन सिस्टम क्रिएट करता है। बिट टॉरेंट्स में टॉरेंट के लिंक क्रिएट करने के लिए रहता है। नासा में नासा यूज़ करती है, देखो पाइथन को नासा क्यों यूज़ करती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करती है। जो पाइथन जब आया नासा पता किस लिए यूज़ करती है, डेटा साइंस के लिए यूज़ करती है पाइथन को। ओके क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर एक लाइब्रेरी हैगी numpy नाम की, numpy सर्च करना ठीक है, उसके बारे में देखना। numpy हमारी डेटा साइंस की लाइब्रेरी है, उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम कि मीन मीडियन मोड, हाँ, और डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें सुनी है मैथ्स में। यस सर। हाँ, तो ये सब चीज़ें इससे पाइथन की यूज़ से बहुत आसान हो जाती हैं, तो इसलिए नासा यूज़ करता है। गूगल यूज़ करता है अपने गूगल ट्रांसलेटर के लिए। हम अपना खुद का पाइथन का यूज़ करके हम खुद का अपना ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि हम कुछ उससे बोलें और वो हमें एज अ रिजल्ट आंसर कर दे। ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। ओके ओके ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बता ही दिया, करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी बता ही दिया आपको। गेम डेवलपमेंट और बहुत सारी बता दी। टास्क ऑटोमेशन देखो, ये रहे टास्क ऑटोमेशन। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं अपना वेरिएबल्स से, ठीक है। सबसे पहले बढ़ते हैं कमेंट की तरफ। कमेंट क्या होता है, हम चलो नया करते हैं, ये दूसरी क्लास पढ़ा रहे थे उसका है, छोड़ो। अपनी नई नोटबुक ओपन कर लें। ओके सर, ओके सर, नई नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टॉल कर ली आपने? नहीं, मैंने डिलीट किया, इंस्टॉल नहीं किया। इंस्टॉलेशन पे लगा दो जब तक पाइथन 3 हो। ओके, इंस्टॉल पे लगा दो, उसके बाद करो। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है कि हम पहले सीखेंगे कमेंट कैसे करते हैं किसी कोड के अंदर। कमेंट के 2 टाइप हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है ओके। पहले इंस्टॉल कर लो, अब ऐसे समझ में भी नहीं आएगा जब तक तुम खुद कोड नहीं करोगे। तो मैं ऑनलाइन पे कर लूँ क्या, ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे? हाँ, तब तक कर लो। हाँ तब तक कर लो, ठीक है। W3 स्कूल पे कर लो, चाहे जिस पे कर लो। देखो सिंगल लाइन कमेंट सुनो। हेलो, हाँ सर ओके। चलो 1000 लाइन का कोड हुआ, ठीक है हाँ। फिर 1000 लाइन के कोड को अगर 1 महीने बाद कोई बोले आपसे कि हमें चेंज करना है कुछ उसके अंदर, तो आप पहले क्या कोड पूरा पढ़ोगी क्या 1000 लाइन के, कहाँ पे चेंज करना है हमें, कहाँ क्या था? नहीं ना, नहीं। तो इसलिए जैसे हम बड़ा कोड लिखते हैं तो उसके बीच में हमेशा, जैसे हम प्रिंट से समझ लो करवा रहे हैं इधर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो एक सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सिंपल एक हैश जैसी लिखेंगे। उसके बाद हम अपना कैसे अपने पूरे कोड के अंदर कमेंट डाल सकते हैं, मल्टीपल कमेंट्स। अपने सिंगल लाइन कमेंट डाल दो कि दिस इज अबाउट फर्स्ट प्रोग्राम, समझ लो ऐसा तरीके का कमेंट। अपनी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने कमेंट डाल दिया। अब कभी हम अपना कोड देखेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो भी हम देख के समझ जाएंगे अच्छा ये हमारा पहला प्रोग्राम था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करने के लिए हमारे कमेंट आते हैं बीच में। कमेंट देने के लिए बस सिंपल सिंगल हैश डालेंगे, उसके बाद अपना सिंगल लाइन कमेंट दे देंगे, ठीक है हाँ। अब देखो इसे हम रन करेंगे तो हमारा दिस इज अबाउट फर्स्ट प्रोग्राम नहीं आएगा कुछ भी, सिर्फ हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड आएगा अकेला। आ गया हेलो वर्ल्ड? हाँ सर, मेरा भी ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर जैसे अगर हम हैश नहीं लगाते हैं तो देखो एरर दे देगा, ये हमें एरर दे दिया। ठीक है, अच्छा सर। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हैश यूज होता है। फिर हमारा दूसरा है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने के लिए हमें या तो ट्रिपल डबल कोट्स, ये देख रहे डबल कोट्स, हाँ सर ट्रिपल डबल कोट्स, हाँ जो ट्रिपल डबल कोट्स, थोड़ा जूम करते हैं रुको शायद हो जाए, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ लैपटॉप पे दिख रहा है। तो ट्रिपल डबल कोट्स लिख दो, तो उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते दो, दिस इज, अब नई लाइन में जाना चाहें तो मल्टी, फिर नई लाइन में जाना चाहें लाइन, फिर नई लाइन में कमेंट, इस तरीके से। तो ये कई लाइन का हम कोड लिख सकते, वो मल्टीपल लाइन कमेंट दे सकते हैं। अब एक बार इधर पे कर दें तो हैश को भी तीन बार ऐसे यूज कर सकते हैं क्या? हैश को यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो देख रहे हैं अलग अलग लाइन में, ये अभी हैश यूज करते हैं किस लिए, देखो हैश यूज करते हैं एक लाइन का कमेंट देने के लिए। जब हमें मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना हो तब हम कहते हैं ट्रिपल डबल कोट्स या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज करते हैं, याद रखना। अच्छा देखो एक हमने ये लिख दिया डबल कोट्स का कमेंट, इसी के आगे एक सिंगल कोट का कमेंट और लिख देते हैं ट्रिपल सिंगल कोट, दिस इज अगेन कमेंट। अब जो रन करेंगे सिर्फ हमारा हेलो वर्ल्ड आएगा, आ गया हेलो अगेन, हेलो अगेन दिया था हमने। ठीक है यस सर। तो ये सिंपल हो गया हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट, देख लिया। तो मैं बार बार हैश दूं तो भी आएगा क्या ऐसा? बार बार अगर बार बार ऐसे हैश देना चाहो तो, हाँ ऐसे कह रहे हो ना ये, हाँ ऐसा फिर इधर ऐसा है, हाँ 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 आ सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये है ना कि हमें कोई डिस्क्रिप्शन किसी कोड के अंदर, समझ लो 1000 लाइन का कोड है, उधर बीच में जाके कोई हमने फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के बारे में अगर हमें बताना है तो वहाँ हम सिंगल लाइन कमेंट यूज नहीं करते, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। तो हम बार बार सिंगल लाइन कमेंट लगाएंगे तो देखो अगर 12 लाइन का या 20 लाइन का डिस्क्रिप्शन हुआ, समझ लो पैराग्राफ लिखना हो पूरा, तो हम सिंगल लाइन थोड़ी नहीं यूज करेंगे उधर, समझ रहे कितनी सारी हमें वो करनी पड़ेगी मल्टीपल, वो मतलब कितनी बार हैश लगाना पड़ेगा हमें बार बार, टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए सिंपल डबल ट्रिपल डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज करते हैं बस, और लिखते चले जाओ जो कुछ लिखना है इसके बीच में हमें। ठीक है हाँ सर समझ गए यस। और देखो प्रिंट का यूज, एक तो ये हो गया। और जो प्रिंट के अंदर जैसे हमने बताया ना कि डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं, है ना, हाँ ऐसे ही हम प्रिंट के अंदर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। इसलिए पाइथन बहुत पावरफुल है, देखो 3 + 6 डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 9 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा हाँ ऐसे ही हम प्रिंट के अंदर के 5 - 3 करवा सकते हैं। तो ऐसे इंटीजर्स पे वो जो कॉमा नहीं दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा, तो इंटीजर हमारा कुछ भी नंबर हुआ ना, हाँ जैसे प्रिंट करवा रहे 5 तो ये हमारा एक इंटीजर नंबर हुआ, हाँ इसमें सी की तरह नहीं है ना, यही तो अच्छा है कि सी में जैसे देना पड़ता ना इंट a = 5 ऐसे देना पड़ता है, ये पहले डिफाइन करना होता है, हाँ तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट a = 5 दे सकते हैं हम सिंपल। हाँ कि अभी सिर्फ प्रिंट देखो प्रिंट कैसे कैसे करवा सकते हैं। एक तो ये देख लिया ना 3 + 6 5 - 3 करवा रहा है, डायरेक्ट 5 प्रिंट करवा दिया है। या फिर मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो 4 × 6 इस तरीके से। अच्छा। कितना सिंपल है पाइथन। तो सर उस पे अगर वो कॉमा ऊपर जो कोटेशन दिया तो क्या होगा? अगर इसमें कोटेशन दे दिया तो प्रिंट कर देगा क्या? वो बस 4 × 6 प्रिंट करेगा। अब ये अब 24 नहीं आएगा आंसर। अब ये स्ट्रिंग बन गया ना, देखो अब 4 × 6 आ गया, समझ गए? अच्छा हाँ सर, तो ये नोट कर लो। ओके सर, कर लिया नोट? हाँ सर, ट्राई करके देख लिया, मतलब ये कह रहे हैं? हाँ सर, यह पकड़ रहा हूँ। हाँ सर हो रहा है। क्या हो गया? 3 into 5 के 15 आया। हाँ चल रहा ना, सही है। हाँ सर ठीक है, सीख गए प्रिंट कैसे करवानी है। हाँ सर ठीक है। कमेंट समझ में आ गया कमेंट कैसे करते हैं। हाँ सर अब एक चीज और देख लो, वेरिएबल। देखो वेरिएबल हमारे होते क्या हैं, वेरिएबल कोई भी हमारा कंटेनर होता है एक तरीके से समझ लो। जैसे समझ लो हमने ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर 5 स्टोर करवा दिया, ठीक है ओके। समझ में आ रहा है? इस कोड में हो क्या रहा है देखो, इस कोड में हो रहा है कि हम एक ए नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है हेलो यस सर, ए नाम के वेरिएबल के अंदर हम 5 को स्टोर करवा रहे हैं और फिर क्या करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं किसको, ए को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब ये रन करेंगे, देखो 5 हमारा आउटपुट आ गया। आ गया हाँ सर। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल किसी भी कंटेनर का नाम होता है। तो इधर हमारा ए वेरिएबल है, ए नाम का ये वेरिएबल है, ठीक है अच्छा हाँ ठीक है। कोई पूछे वेरिएबल क्या है, तो ये कोई भी कहते वेरिएबल जिसका हम कोई भी नाम रख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल a = 5, तो उसमें हमारा a जो है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है ओके। और अब ये समझ लो कि अगर हम कोई भी वेरिएबल लिख रहे हैं तो वेरिएबल का नाम हमेशा स्टार्ट कैसे होगा। स्टार्ट हमेशा याद रखना कि हमेशा हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल का या तो अंडरस्कोर से, ठीक है ये नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो अंडरस्कोर से या A to Z, ठीक है, या फिर हमारा कैपिटल A to Z, कैपिटल A to Z, ठीक है ओके। इनके अलावा हम किसी और वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो हमारा एरर देगा। देखो अब रन करके देखते हैं कुछ चीजें। a = 5 ये देखिएगा सिंपल, ठीक है हाँ सर। और ऐसे ही हम ABC = 6 कर देते हैं तो हो जाएगा। हो गया रन, हो गया हेलो हाँ सर हो गया। अब ऐसे ही अगर हम ट्राई करें कि वेरिएबल का नाम, जैसे हमने बोला ना A to Z या कैपिटल A to Z, अगर हम चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो, फिर 1 ABC रखना चाहें, फिर और उसके अंदर हम 6 रखना चाहें तो भी एरर दे देगा। नहीं हाँ हाँ नहीं होगा, क्योंकि हम इस नाम से वेरिएबल बना नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना हम स्टार्टिंग में तो यूज़ हमेशा इन्हीं चीज़ों का करेंगे, सिर्फ ये स्ट्रिक्टली यही रहनी चाहिए, इनके अलावा कोई और कुछ भी नहीं कर सकती यूज़। अब देखो यूज़ करके देख लेते हैं हम अपना अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर ABC करा, अंडर ABC करा, उसके अंदर हमने 7 रख दिया। अब रन करेंगे, देखो रन हो गया। हो गया हेलो हाँ सर हो गया हाँ। अब और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि हम ये सिंबल यूज़ करना चाहें तो अब देखो अब ये नहीं होगा, ये एरर दे देगा हमें, ठीक है हाँ आ गया एरर। अब ऐसे ही हाँ हम और भी चीज़ें हमारी @ है, समझ लो @ABC करना चाहें एरर आएगा, तो भी एरर आएगा। और एक चीज़ और देखो, अगर हम ABC और फिर 1 2 3 कर दें तो हो जाएगा। देख रहे हो हम 1 2 3 बाद में यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ। हम देख रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते बाद में, ABC @ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है हाँ। देखा एरर। तो अब इधर नोट कर लो ये चीज़, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट वी कैन नेवर यूज़ स्पेशल कैरेक्टर। हाँ हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज़ नंबर्स आफ्टर वेरिएबल नेम स्टार्ट कर दे। ये समझ गए ना क्या लिखा हाँ हाँ सर। एक हम कभी भी वेरिएबल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं, ठीक है हाँ सर हेलो यस सर। और हम कहते हैं जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 नंबर्स और ब्रैकेट में करके लिख देते हैं 1 2 3 इस तरीके नंबर यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? आफ्टर वेरिएबल का नाम जब स्टार्ट हो चुका हो उसके बाद। जैसे हमने एग्जांपल देखा था अभी, ये ABC 1 2 3 करा। यस सर। रन कर गया था ये। हाँ सर। तो ये कर सकते हैं हम अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट करने के बाद 1 2 3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 4th पॉइंट सुन लो। वी कैन नेवर यूज कीवर्ड नेम एज अ वेरिएबल। कीवर्ड, हाँ देखो ये होता क्या है, कीवर्ड्स हमारे होते हैं ये, जैसे कि पढ़ा होगा इफ, एल्स, ये पढ़े। यस सर पढ़े। इफ नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते कि इफ के अंदर हम 7 स्टोर करना चाहें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो एरर आ गया। जैसे ही हमारा एल्स होता है, एल्स के अंदर हम 10 स्टोर करना चाहें तो ये एरर दे देगा हमें। ऐसे ही हम, और क्या होता है, एंड होता है। एंड देखा है ना, एंड और ये सब भी होते हैं उसमें। हाँ छोड़ो, फॉर तो सुना ही होगा, फॉर। हाँ फॉर लूप। हाँ फॉर लूप, फॉर के अंदर हम 6 फॉर नाम का वेरिएबल बनाना चाहें तो ये एरर दे देगा हमें। देखो दे दिया एरर। ठीक है, तो कीवर्ड के नाम से हम कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, वेरिएबल के नाम किन चीज़ों से बन सकते हैं हमेशा। ओके, तो ये नोट कर लो। मैं लिख रहा हूँ। अच्छा लिख, हाँ तो लिख लो। हाँ सर, हो गया नोट। हाँ ओके, तो फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है, पाइथन की हिस्ट्री हो गई, पाइथन के यूज़ करते हैं, कमेंट्स हो गया और वेरिएबल हो गए। वेरिएबल अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा ठीक, और ये चीज़ देख लेना, सारे कीवर्ड एक बार देख लेना। कीवर्ड पता टोटल होते हैं हमारे, टोटल हमारे शायद 35 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। हाँ पाइथन में हमारे 35 कीवर्ड्स होते हैं, तो देख लेना कौन सी कीवर्ड्स होते हैं। तो कभी भी उन नाम से नहीं बनाना है हमें वेरिएबल का नाम। ओके ठीक है, हाँ आज इतना ही करते हैं, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे ट्यूसडे को। ठीक है सर। हाँ ये कल ऑफ है हमारा, वीक ऑफ है। सर ओके, जो पाइथन है ना, कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या मतलब ऑनलाइन होता है ना लैब, पाइथन के लिए भी है कुछ क्या ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ मतलब समझ में नहीं आया। ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो? नहीं वो क्वेश्चन होता है ना, वो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस। हाँ जब प्रोग्रामिंग में पाइथन के लिए होता है। हाँ होते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई कहाँ है, अभी तुमने पाइथन अभी पूरा, अभी थोड़ा आओ तो अभी आगे। अभी देखो ये अभी स्टार्ट किया है हमने, अभी देखो कुछ टॉपिक्स होने दो, फिर तुम्हें हम क्वेश्चंस भी देंगे बहुत सारे। देखो जैसे ही इन लोगों को करवाते हैं, देखो बताएं। रन हो जा बड़ा टाइम लगा रहा है चलने में। ठीक है, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लेना ध्यान से, देखो। अच्छा इन लोगों को पाइथन बताया इन लोगों को, जूम आउट हो। ठीक है, इन लोगों को पाइथन बताया। इन लोग का पता कहाँ चल रहा है, इन लोग का कमेंट वेरिएबल हो चुका है, डेटा टाइप हो गया, टाइप कन्वर्जन हो गया, प्रिंट के डिफरेंसेस देख लिए। ठीक है, और उसके बाद इन लोग का स्ट्रिंग नहीं, इनका अभी ये चल रहा है इफ एल्स इफ और फॉर लूप पे हैं ये लोग। तो इन लोग के क्वेश्चंस भी अभी काफ़ी चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन दिखाएं, जो जैसे इन्हें क्वेश्चन ये दिया है, ये करवाया इन्हें क्वेश्चन, कुछ चीज़ें बताई, कुछ करवाएं इनसे खुद भी। जैसे ये टास्क दिए थे एक, और ये 2 टास्क दिए थे, ये तीसरा ये टास्क दिया था, 4th ये दिया था। तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तुम्हारे तो स्टार्ट अच्छे से हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, तो अभी पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। तो अच्छा लगेगा सीखने में। अभी अभी सिर्फ यही देखो कीवर्ड्स कौन से नाम के हैं, ठीक है। तो याद रखना कि वो कीवर्ड नाम से नहीं बनाना है हमें, ओके। और याद रखना वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो एक चीज़ और सीख लो, जो भी हम कोड चला रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ, जो कुछ कोड हम कर रहे हैं ये सारा अभी हमारा रैम के अंदर चल रहा है, ये अभी हार्ड डिस्क में नहीं है। इस कोड को अगर देखो हम ये रीस्टार्ट कर दें, जैसे देखो अभी एक सेकंड कंटिन्यू रनिंग करते हैं, जैसे हमारा कोड अभी एक रन करवा के देख लेते हैं। जैसे a = 5 किया था, अभी कहाँ गया वो, ये रहा। इसको अलग अलग लाइन में कर दें, देखो शो हो रही है ना स्क्रीन, ये शो। अच्छा देखो, इसको a = 5 किया, उसके बाद हमने करवा दिया इधर प्रिंट a, तो हमारा ये 5 प्रिंट होके आ गया, आ गया, हाँ सर, ओके। हमारे पता इस समय हमारा ये रैम में चल रहा है ये कोड हमारा। अब इसको हम रीस्टार्ट कर दें, अगर ये हमारा हार्ड डिस्क में नहीं है, अभी कोई इसका स्टोरेज नहीं है कि a नाम का वेरिएबल कहाँ स्टोर था। a नाम का वेरिएबल अभी तक हमारे रैम में था। अब हम इसमें अगर डायरेक्ट प्रिंट a करवाएं तो जो एरर दे देगा, एरर। एरर क्यों दिया? नेम a डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइंड? क्योंकि रैम में अभी स्टोर ही नहीं हुआ, रैम खाली हो चुकी, तो क्योंकि रीस्टार्ट कर दिया ना हमने, तो खाली हो जाती है रैम, इसलिए फिर हम ये रन करेंगे दोबारा a = 5। अरे कहाँ गया ये, a = 5 रन किया, रन क्यों नहीं हो रहा, चल क्यों नहीं रहा है कोड, रुकना, बहुत दिक्कत आ गई, तो शायद शिफ्ट बार बार दबाए रहे हम तो कुछ ऑन हो गया था शायद, ठीक है। देखो हाँ, इसको हमने रन किया, रन हो गया। अब इसको अब रन करेंगे, 5 आ गया हमारा, हाँ सर, ठीक है। ऐसे ही हम a की वैल्यू फिर अपडेट भी कर सकते हैं। देखो अरे यार कीबोर्ड ही नहीं चल रहा हमारा, पता नहीं क्या हो गया इसको, चलो फिर देखते हैं। लेकिन मतलब ये कह रहे हैं जैसे a = 5 लिखा हमने, ठीक है, हाँ सर, इधर पे हम a = 6 कर दें, ये BC को हटा दो, ये B और C लिखा है इसको हटाओ, a = 6 कर दें, तो पता ये होगा कि हमारी a की वैल्यू जो 5 थी अब वो अपडेट हो गई। उसकी जगह जैसे समझ लो एक डिब्बा है, एक a नाम का डिब्बा है समझ लो, ठीक है, हाँ, उस a नाम के डिब्बे के अंदर समझ लो हमने 5 रख दिया। जैसे ही समझ लो हमारे किचन में डिब्बे हैं, तो किचन के डिब्बे में हमने एक डिब्बे में शक्कर रखी थी, ठीक है, हाँ, अब उस शक्कर को खाली करके उसके अंदर हम चाय पत्ती भर सकते हैं, उसी डिब्बे को हम खाली करके उसके अंदर कॉफी भर सकते हैं, हाँ हाँ सर। तो वही ये है a नाम का जो वेरिएबल है, a नाम का समझ लो ये डिब्बा है, इसके अंदर हमने 5 रखा, उसके बाद प्रिंट करा दिया हमने, प्रिंट a करा तो 5 आ गया हमारे पास। फिर हमने बाद में a = 6 करा दिया, तो उसने किया क्या कि जो 5 स्टोर था उसको वो हटा देगा, अब वो 6 को रख देगा a के अंदर। फिर अब हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा 6 प्रिंट कर देगा। ये अभी हमारा पता नहीं क्या हो गया, कीबोर्ड चल नहीं रहा, कोई की नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है। तो ट्राई करके देख लेना, a = 5 फिर प्रिंट a, हाँ, फिर के नीचे लिखना a = 6 फिर प्रिंट a करना, तो देखना 6 आएगा प्रिंट, अपडेट हो जाएगा, अच्छा, तो वो अपडेट कर देता है, ये चीज़ है, ठीक है, ओके ओके। वेरिएबल के अलग अलग नाम ट्राई करके देख लेना, और कीवर्ड ध्यान से पढ़ लेना, 35 कीवर्ड्स ही होते हैं जहाँ तक हमें याद है, तो 35 ही कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, ओके सर। तो वे इतनी क्लास करते हैं, कल हम पढ़ेंगे, एक सेकंड कल का टॉपिक इधर लिख दे तो हमें भी याद रहेगा कल क्या पढ़ाना। कल कीबोर्ड ही नहीं चल रहा हमारा, कल डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, अपने मंगलवार बोला या कल मंडे को, हाँ मतलब वही ट्यूसडे को, मंडे तो वीक ऑफ है, अच्छा, ठीक है, ओके सर, ओके। तो एग्जिट कर दें फिर, हाँ, कुछ नोट तो नहीं करना था ना? नहीं, कर लिए सर, ठीक है फिर, ओके, बाय बाय।